जान दे सकता, तू दे सकता, तू आ। आज इंतजार और तू दोनों खत्म होंगे। अजित वचानी क्यों आए बॉलीवुड में वापस? अजित को रिकॉग्निशन कब मिली? नमस्कार दोस्तों, मैं हूं आपकी होस्ट पंखुरी और आप सबका बहुत बहुत स्वागत है बॉलीग्रैड स्टूडियोज में। दोस्तों वीडियो शुरू करूं उससे पहले आप सबके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन है। अगर आप भी सिनेमा की दुनिया से जुड़ना चाहते हैं, काम करना चाहते हैं, तो हम आपके लिए एक बहुत ही सुनहरा मौका लेकर आए हैं। डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिए हुए जॉब लिंक पर जरूर क्लिक कीजिए और इस अपॉर्चुनिटी का भरपूर फायदा उठाइए। दोस्तों दिलवाले 2 जो आने वाली है, ये 1994 की फिल्म दिलवाले का सीक्वल होने वाली है। और जैसा कि मैंने आपसे पहले की वीडियोस में भी कहा है कि ये फिल्म एक लव ट्रायंगल पर बेस्ड थी, पर इस बार हमें कुछ अलग और कुछ नया देखने को मिलेगा। अब दोस्तों अगर आपने दिलवाले फिल्म देखी है तो आपने अजित वचानी को ज़रूर देखा होगा। तो चलिए आज जानते हैं इनके बारे में कुछ चीज़ें। अजित मुंबई के ही रहने वाले हैं और इन्हें एक्टिंग का बहुत ज़्यादा शौक था। ये कॉलेज के दिनों से ही एक्टिंग में नज़र आते थे और ऐसे ही एक्टिंग करते करते इन्हें फिल्म मिल गई तेरी तलाश में। लेकिन ये फिल्म बॉक्स ऑफिस पर एक बहुत बड़ा डिजास्टर साबित हुई और इसके बाद अजय को फिल्म मिलने बंद हो गए, जिसके बाद ये वापस से जाकर अपने होम बिजनेस में लग गए। अब 12 साल बाद इन्होंने एक्टिंग में वापसी की, क्योंकि एक्टिंग का कीड़ा अंदर ख़त्म नहीं हुआ था। इसीलिए अब तब तक इनकी शादी हो गई थी, लेकिन फिल्म इंडस्ट्री में फिर से अच्छा चांस ना मिलने की वजह से इन्हें फिर से फिल्मों की दुनिया को छोड़ना पड़ा और अपने परिवार के लालन पालन के लिए वापस से जाना पड़ा बिजनेस में। लेकिन एक्टिंग का जो कीड़ा है वो कभी भी नहीं मरने पाया था। इसके बाद अजय ने फिर से फिल्मों में वापसी की और ये डिसाइड किया कि अब वो इसी फील्ड में काम करेंगे, जिसके बाद उन्होंने काम किया पापी पेट का सवाल फिल्म में। इस फिल्म में इनकी एक्टिंग को काफी ज्यादा सराहा गया, लेकिन इन्हें रिकॉग्निशन मिली फिल्म खामोश की वजह से, जिसमें इनकी एक्टिंग को बखूबी सराहा गया और इसके बाद ये छा गए बॉलीवुड में। इन्होंने काफी सारी फिल्में की, 50 से ऊपर फिल्में की, काफी सारे टीवी सीरियल्स भी किए और अपना नाम बनाया बॉलीवुड में। लेकिन अफसोस की बात है कि दिलवाले के सीक्वल यानी कि दिलवाले 2 में हमें अजित नहीं नज़र आ पाएंगे। अब दोस्तों मैंने आपसे कई बार कहा कि ये फिल्म जो आने वाली है इसमें टेररिज्म का टॉपिक होगा और कैसे अजय और सुनील मिलकर एक हाईजैक किए हुए कॉलेज के बच्चों और प्रोफेसर को छुड़ाएंगे। इस बार मैं आपको बताती हूँ कि अजय देवगन के हाथ में सूर्यवंशी 2 और सिंघम 3 जैसी मूवीज भी हैं। तो अब देखते हैं कि दिलवाले में हमें मेकर्स क्या नया दिखाते हैं। आपका क्या कहना है इस फिल्म के बारे में हमें बताइए कमेंट सेक्शन में। आज के लिए इस वीडियो में बस इतना ही। अगर आपको वीडियो पसंद आई है तो इसे लाइक कीजिए, अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए और बॉलीग्रैड स्टूडियोज को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी मत भूलिएगा।